कैसे आरएसएस वालों ने पुलिस के दम पे किस तरीके से पिराना के मुसलमानों पर जुल्म करने की कोशिश की है। आज पूरा गांव पिराना खाली हो रहा है। देखो यहाँ से बूढ़े बच्चे औरतें जवान सभी लोग गांव से अभी हिजरत कर रहे हैं। आप देख सकते हो, दिखाओ वहाँ पर, पूरा दिखाओ, चालू रखते जो ये दरगाह का मामला है। यहाँ पे पुरानी 500 साल पुरानी दरगाह है। हमारे इमाम साहब बाबा हमारे दादा है, हम उनकी औलाद में से है। और ये यहाँ पे एक कौम नहीं आती, 18 कौम आती है। अब मुझे पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर ऐसा बता दो कि जिसमें यहाँ किसी औलिया की कब्र है या किसी का नाम सैयद से शुरू होता है। कौन से भगवान का नाम सैयद से शुरू होता है? सैयद इमाम साहब बाबा कुफरे सिकन इनका नाम है। और हम इज्जत भी करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के धरने भी करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए। आज ये उनका ये स्टेप बाय स्टेप है कि वो आगे जाके उसको मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यानी ये मंदिर स्थापित करने के लिए उसका जो भी उन्होंने स्टेप लिया है वो आज से शुरू किया है। हो सकता है ये 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसको पूरा मंदिर बना दें। मैं सहल कुरैशी, अहमदाबाद की पिराना दरगाह को लेकर पूरी दुनिया में जो है वो एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं और लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हिजरत की है लोगों ने। कई लोग कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि बिल्कुल वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा आगे पूरी रिपोर्ट में कि वहां के जो ट्रस्टी थे उन्होंने क्या कहा, गांव की महिलाओं ने क्या कहा, वो सब चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पहली तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर ये उसी पिराना दरगाह की है, अंदर मजार है और ये तस्वीर वहां की है जहां पर ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है दी इमाम शाह बाबा संस्था ट्रस्ट। ये दरवाजा है, ये फोटो मैंने खुद 1 महीने या 1.5 महीने पहले जब मैं गया था वहां पर, तब मैंने वहां पर एक स्टोरी कवर की थी, वहां पर मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे। इस दरवाजे के ऊपर 2 महीने पहले लिखा हुआ था इमाम शाह बाबा संस्था ट्रस्ट। लेकिन ये आप दूसरी फोटो आप देखिए, इस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है सतपंथ प्रेरणा पीठ पिराना, यानी इमाम शाह बाबा ट्रस्ट का नाम यहां से हटा दिया गया। अब आज क्या हुआ दोस्तों, आज हुआ ये कि 2 महीने पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि कब्रें तोड़ी गई, दीवार बनाने की वहां पर कोशिश की गई, ये तमाम चीजें हो रही थी। उस दरगाह के अंदर जब आप जाएंगे, अगर आपको यकीन नहीं है कि वहां क्या हो रहा है तो आप खुद जाकर देखिए। अंदर घुसने पर आपको कहीं पर भी नहीं लगता है कि अब दरगाह बची है यहां पर। वहां पर जो मुजावर बिठाया हुआ है वो मुसलमान नहीं है। उस मुजावर के आप देखेंगे व्हाइट कुर्ता पजामा पहनता है, गांधी टोपी जैसी टोपी पहनता है और यहां पर ओम या ओम शांति कुछ उसका लोगो लगा हुआ होता है। पहले तक, 2 दिन पहले तक मुसलमानों को परमिशन थी कि वो यहां से आ जा सकते थे मजार के अंदर। पहले यह भी माना गया, क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस पर एक स्टोरी भी की थी तकरीबन 20 साल पहले कि इस दरगाह को मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी बहुत मानते हैं इमाम शाह बाबा को। उसमें यह था कि जो सतपंथी हैं उसमें ज्यादातर पटेल हैं, पाटीदार हिंदू पटेल। यह कहा जाता है कि इस ट्रस्ट की तकरीबन 12,000 करोड़ की या 1200 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी है, अहमदाबाद में भी काफी प्रॉपर्टी है। अब यह कहा जाता है कि जो सतपंथ था उसमें यह कहा गया था कि सतपंथ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं वो अपने सालाना जो इनकम होती है उसका 10 या 20% जो है वो इस ट्रस्ट में दिया करेंगे। यानी कि मोटी जमीन और मोटे पैसे का ये विवाद था दोस्तों। दरगाह थी ये बात बिल्कुल सही, 2 महीने पहले मैंने बताया। इस फोटो में आपने देखा कि इस फोटो के अंदर ये साफ दिखाया गया है, दरगाह के अंदर पहले भी वहां पर लोग जाते थे मुसलमान, वहां पर दरगाह में जाकर अपनी जो भी अकीदत पेश किया करते थे, जो भी करते थे। लेकिन आज जब हमने बात की इस दरगाह के ट्रस्टी से, जब मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की कि हम खड़े हैं पिराना की दरगाह पर, तो उन्होंने मुझे रोका, मुझे कहा कि नहीं, ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। तो यहीं से साफ हो जाता है कि मंसूबा क्या है, क्या था, क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या जमीन का मामला है, क्या जमीन को हड़पने का मामला है। आप इस पूरी खबर को देखिए जिसमें हमने वहां पर जो ट्रस्टी हैं, क्योंकि बताया जाता है 15 से 17 ट्रस्टी हैं जिनमें से सिर्फ 1 या 2 मुसलमान है, बाकी सारे हिंदू ट्रस्टी हैं, पटेल ट्रस्टी हैं।
अब यहाँ पर उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं हर्षद पटेल, उन्होंने क्या कहा, गांव की महिलाओं ने क्या कहा, ये पूरी रिपोर्ट आप जरूर देखिए। इस वक्त मैं अहमदाबाद के पीराणा इलाके में खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, पीराणा की दरगाह है, मजार काफी मशहूर यहाँ का है, 550 साल पुराना ये बताया जाता है। अब यहाँ पर अक्सर मंदिर है, ये मंदिर है, अच्छा मंदिर है, तो यही मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मस्जिद या मंदिर, मंदिर या दरगाह, ये मंदिर है अपना। ये मंदिर है, मंदिर है, ये मंदिर है, कौन सा यहाँ पर, ये सबसे पहले बता दूं कि यहाँ का जो ट्रस्ट है सप्तपति सनातन जो ट्रस्ट है, वहाँ के ट्रस्टी हर्षद भाई पटेल हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तो हर्षद भाई, जैसे आपने बताया कि ये मंदिर है, ये मजार नहीं है, तो ये किसका मंदिर है, क्या है? क्योंकि जो वायरल हो रहे हैं मैसेज, जैसा हमने जो पढ़ा है उसमें बताया जाता है कि पीर शाह बाबा का ये मजार है, ये निष्कलंक नारायण भगवान जो 10वां अवतार होने वाला है, इसका ये मंदिर है निष्कलंक नारायण भगवान का। तो ये हमें पीर शाह बाबा का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इसमें? नहीं, जो सदगुरु महाराज थे हमारे, वो कह के गए और यहाँ पे निष्कलंक नारायण भगवान का अवतार होने वाला है और यहाँ पे आने वाले, उसका ये मंदिर है। लेकिन अंदर अभी जो जिसका मजार या जो भी है वो किसका है, क्या है वो? ये सदगुरु महाराज का मंदिर है, कोई मजार ऐसा नहीं, मंदिर है। अच्छा, तो पीर शाह बाबा का मजार हो, जो ये जो मामला है ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा ये रहता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो आप एक ट्रस्टी हैं, जिम्मेदार पद पर आप हैं, तो आखिर में है क्या ये पूरा मामला, आज ये गांव के अंदर ये सब बवाल जो खड़ा हो रहा है, ये क्या वजह है? इसमें जो हमारी ये तार की फेंसिंग वायर थी वो जर्जरित हो गई थी, तो वहां से हमने 5 फुट छोड़ के हमने पूरा दीवार का काम किया है, और जहां भी हम काम कर रहे वो पूरा ट्रस्ट की जमीन है, ऐसा कोई दूसरे की हम बचा के ये ऐसे करे ऐसा नहीं है, ये पूरा ट्रस्ट की जमीन है, वो ट्रस्ट की जमीन के ऊपर हम दीवार कर रहे हैं अभी। अच्छा, गांव वालों का ये आरोप है, क्योंकि मैंने गांव वालों से बाहर कुछ बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस पे कोर्ट का मैटर है, कुछ हो नहीं सकता कंस्ट्रक्शन, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा ये कहा गया कि ट्रस्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों ट्रस्टी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो मैसेज मिला वो गलत मैसेज है, माननीय कलेक्टर साहब के परमिशन के जो मिला हुआ है उसके हिसाब से हम ये जो दीवार है वो कर रहे हैं। अच्छा, कलेक्टर साहब की परमिशन से ही ये काम हो रहा है सारा। अच्छा, जो दूसरा यहाँ के ट्रस्ट के ट्रस्टियों का जो मामला है कि ट्रस्टी जो है 10-12 जो भी ट्रस्टी है, कितने ट्रस्टी है, कितने हिंदू मुस्लिम उसमें भी ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, 17 ट्रस्टी हमें कच्छ करवा पाटीदार ये ट्रस्ट है, उसमें 17 हिंदू ही ट्रस्टी है हमारे सब, क्योंकि गांव वालों ने मुझे कहा कि मुस्लिम ट्रस्टी भी है। नहीं, मुस्लिम ट्रस्टी नहीं है, जो हमारा ट्रस्ट है उसमें मुस्लिम ट्रस्टी नहीं है। अच्छा, दूसरा जो पीछे जो बताया जाता है पीर शाह बाबा की जो दरगाह है यहाँ पर, तो वो दरगाह का रास्ता कहाँ से है? वो दरगाह का रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट का जमीन है, ट्रस्ट के जमीन पे जो हम जो आ रहे उसके लिए हमने किया हुआ है। अभी सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक ही रास्ता होता है सब जगह पे, अभी अक्षरधाम में जो हमला हुआ, जो घटना घटी, इसके हिसाब से अक्षरधाम में एक ही एंट्री है, ऐसे हमारा भी एक ही एंट्री है, सब आते जाते सबको दर्शन के लिए वो रास्ता खुला है। यानी पीर शाह बाबा जो बताते हैं दरगाह, वहां पर भी अगर किसी को आना है तो यही रास्ते से उनका भी रहता है? ये जो हमारा मंदिर है उसमें आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वहां से लोग सब आते और दर्शन करते हैं। पटेल साहब, बिल्कुल मंदिर आप जो बता रहे हैं ये जो भी है, क्या 500 साल पहले क्या था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि दरगाह भी यहाँ पर है, मंदिर भी यहाँ पर है ना, साइड में दरगाह पीर शाह बाबा की दरगाह, जैसे आपने बताया कि फेंसिंग आप अपने उसमें कर रहे हैं, आप जो दरगाह जो बचती है वहां पर अगर जो लोग आना जाना है तो उनका रास्ता कौन सा है? वो तो रास्ता अलग है, गांव में से वो आते जाते उसका रास्ता खुला हुआ है, वहां पे हमने कुछ कोर्डन किया नहीं है, उसका रास्ता खुला है, वो रास्ता खुला है उसका कुछ हाँ, नहीं। हाँ, कुछ तो यहाँ पर कंटेंट टू कोर्ट ऐसा कोई मामला नहीं, नहीं है, कोई कंटेंट है ही नहीं, कोर्ट का कोई ऐसा मामला भी नहीं है, कोर्ट का कोई मैटर भी नहीं है, कोर्ट का मैटर है ही नहीं, जमीन तो है नहीं। तो जो लोग यहाँ के जो ट्रस्टी जिन्होंने बताया मुझे, कोई सैयद वगैरह है, उन्होंने बताया कि नहीं हम यहाँ ट्रस्टी हैं और कोर्ट में चल रहा है मामला, नहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ, यहाँ ऐसा कोई ट्रस्ट का मामला है ही नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है ट्रस्ट का मामला। राशिद भाई, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ के ट्रस्टी है, बड़ी जिम्मेदारी रहती है, हर चीज को देखना होता है, जो माहौल खराब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर आजकल अलग अलग पोस्ट तरह तरह की डालकर युवाओं के दिमाग को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो आप ऐसे चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम कोई भी, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो युवा ऐसे गलत मैसेज नहीं करने चाहिए, जो युवा है तो जो सच्ची बात समझ के उसके बाद सोशल मीडिया में जाना चाहिए, जो ये मैसेज वो फैला रहे वो गलत बात है, ये कोई भी धर्म है उसकी लागणी नहीं दुबानी चाहिए, ऐसा ये कृत्य नहीं करना चाहिए, और गांव में 5-7 जो असामाजिक तत्व है वो ऐसा खुद कर रहे हैं, तो उसको भी मालूम नहीं है, उसको भी कुछ भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और ये जो वायरल कर रहे हैं वो गलत मैसेज वो भी बंद हो। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसा आपने बताया कि ये काफी पुराना 500-550 साल पुराना जो भी है, तो ये अचानक ये अभी 4-6 महीने में इतना ज्यादा क्यों इसको लेकर बवाल होने लगा सारा? नहीं, हमारा तो काम सालों से चल रहा है, अभी 12 सालों से हमारा काम चल रहा है, हमारा जो भी ट्रस्ट है विकास को ये जो जिम्मेदारी दे रहा है, तो अभी जो काम हो रहा है पूरा विकास का ही काम हो रहा है हमारा।
कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि असल में ट्रस्ट की जमीन बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो दूसरे समुदाय के मुस्लिम जो ट्रस्टी थे उनको निकाल दिया गया यहाँ से, ऐसा भी कुछ है, कब्जा करने की कुछ, ये आरोप जो लग रहे हैं उस पर क्या कहें? नहीं, वो सब वाहियत बात है, गलत मैसेज है, वो गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हर्षद पटेल, इन्होंने जो बातें बताई, इनका कहना है कि ये दरगाह नहीं है, यहाँ पर मंदिर है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ पर पीर शाह बाबा का मजार है। और ये कहा गया, एक सवाल और रह गया था यहाँ पर, जो बातें ये कही गई कि जो दीवार बनाई गई है वो बताया जा रहा है कि कुछ मजार है, कुछ कब्रें तोड़कर दीवार बनाई गई है, कुछ वीडियो भी बताए गए इससे। नहीं, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी वो जो उसकी कब्र है कहीं भी हमने उसको छुआ भी नहीं है और कहीं भी हम छू भी नहीं रहे। हमारा तार का जो फेंसिंग था उसी जगह पे हम ये पूरा दीवार बना रहे हैं। वीडियो जो वायरल हो रहे हैं कि दरगो कुछ मजार वगैरह तोड़े हैं, सब वो क्या है वीडियो? नहीं, वो गलत किसी ऐसी एडिट करके कोई बनाया हो तो वो मुझे मालूम नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे माहौल भी नहीं है, कोई मजार भी तोड़ नहीं रहे, वो गलत बात है, गलत अफवाह है। दूसरा, गांव के लोग छोड़ छोड़ के चले गए बाहर, मैंने देखा ट्रक में भर भर के सब लोग चले गए कि हमारी सुरक्षा का थोड़ा खतरा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं, ऐसा कोई मालूम नहीं है, ये माननीय कलेक्टर साहब का परमिशन मिल रहा है, प्रशासन साथ में और साथ में लेके हम काम कर रहे हैं, ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात बताई हर्षद भाई पटेल ने, हमने देखा इनका कहना है कि ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन बाहर जो लोग सुरक्षा के लिए बता रहे हैं कि खतरा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। लेकिन जो इस तरह के मामले हैं, हर्षद भाई ने जो बातें बताई कि कोर्ट का ऐसा कोई मामला नहीं है, अब कोर्ट को अपना काम करना है, प्रशासन को अपना काम करना है। हर्षद भाई ने जो कहा कि कलेक्टर की परमिशन से सारी चीजें की जा रही है, अब इसमें आगे क्या होता है, कोर्ट मैटर है नहीं है, ये काम है प्रशासन का, ये है जिम्मेदारी उनकी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा, आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी मजहब के हैं, कम से कम हमें भारतीय बनकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भारतीय बनकर हमें सबको एक दूसरे के धर्म की जो है वो इज्जत करनी चाहिए। अब जिस तरीके से मस्जिद यहाँ के जो दरगाह है और वहां पर जिस तरीके का ये बवाल जो मचा है, हमने अंदर बात की जो यहाँ के जो ट्रस्टी थे हर्षद पटेल, उनका कहना है कि नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो मंदिर है। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं गांव की, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं, इनका क्या आरोप है, ये क्या कहना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि गांव के लोगों से हमने बात की, इनका कहना था कि ये 550 साल पुराना पीर शाह बाबा का मजार है और उसी को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कुरेसा बानू है। और जो ये दरगाह का मामला है, यहाँ पे पुरानी 500 साल पुरानी दरगाह है, हमारे इमाम साहब बाबा हमारे दादा है, हम उनकी औलाद में से है। और ये यहाँ पे एक कौम नहीं आती, 18 कौम आती है और 18 कौम भी यहाँ आके झुकती है और श्रद्धा लेके आती है और खुशी खुशी जाती है। वो एक एकता का प्रतीक है। यहाँ पे उन्होंने सुबह से आज हमारा जीना हराम कराए और सुबह से हमारा इन्होंने सूले शांति का भंग भी किया हुआ है। हम कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको इंसाफ दिलाइए। यहाँ पे हमारे ये दरगाह है और इमाम साहब बाबा है, अंदर तुर्बत है, अंदर कोई ऐसा मंदिर के कोई चीज नहीं है। और अभी फिलहाल जो हो रहा है मंदिर अपने दरगाह के बीच में और मस्जिद के बीच में जो दीवार खड़ी करते हैं वो दीवार का मसला है। वो दीवार में दोनों ने विभाजन खड़ा कर दिया है, उसके लिए हम बाहर आ गए हैं और हम इजरत भी करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के धरने भी करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए। आप जो भी धरने पर बैठे हुए थे, आप कहते हमारे लड़के कौन लड़के क्या है? हमारे लड़के बच्चों को डब्बे में पूर के ले गए हैं, पुलिस स्टेशन में ले गए, लड़कियों को भी ले गए, औरतों को बच्चों को सबको ले गए हैं हमारे। अच्छा, हमको इंसाफ दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद परवीन। क्या? मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो आपके जो हर्षद पटेल बता रहे हैं कि ये मंदिर है, तो आप मुझे पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर ऐसा बता दो कि जिसमें यहाँ किसी औलिया की कब्र है या किसी का नाम सैयद से शुरू होता है। कौन से भगवान का नाम सैयद से शुरू होता है? सैयद इमाम साहब बाबा कुफरे सिकन इनका नाम है। और ये जो दरगाह है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं, सब सबका अलग तरीका होता है पूजा करने का, दुआ करने का। वो जो हिंदू लोग आते हैं अपने तरह से उसको पूजा करते हैं, तो क्या वो दरगाह को मंदिर बना देंगे? वो हमने जिस तरह से हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप हिंदू हो तो आके पूजा मत करो, आप दुआ करो, हमने नहीं बोला। तो वो इस तरह से दरगाह को मंदिर बनाने के लिए क्यों तुले हैं? जब हमको ये आप ये कहना चाह रही हैं कि ये दरगाह है, लेकिन ये जो पटेल समुदाय के जो लोग हैं वो दरगाह को मंदिर बताने में लगे हुए हैं। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये 550 साल पुरानी ये दरगाह है
और मुझे दरगाह अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करते हैं तो अच्छी बात ही एकता का प्रतीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अगर आपको पूजा करवानी है तो आप दरगाह को मंदिर बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो है उसी को रहने दो। जो रास्ते थे ये 10 साल पहले, ये रास्ता पहले जो पूरा खुला हुआ था उसको उन लोगों ने पहले आधा बंद करा था, आज उसको पूरा वो लोग दीवार बना के बंद करना चाहते हैं, हम लोग का रास्ता बंद करना चाहते हैं। हमको उनसे, उनके आने से, उनको वहां पे पूजा करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को दिक्कत है कि गांव के लोग जो सीधे डायरेक्ट आ सकते थे वो आए नहीं, बल्कि पूरा गुमा के अंदर जाए, फिर भी वो इतने साल से जो चल रहा था उसको भी वो आज वो पूरा रास्ता बंद करना चाहते हैं, किसी को अंदर आने देना नहीं चाहते, और वो इस तरह से करना चाहते हैं कि जो दरगाह है उसको उनको आज ये उनका ये स्टेप बाय स्टेप है कि वो आगे जाके उसको मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यानी ये मंदिर साबित करने के लिए उसका जो भी उन्होंने स्टेप लिया है वो आज से शुरू किया है। हो सकता है ये 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसको पूरा मंदिर बना दें और साबित कर दें कि ये मंदिर था, लेकिन ये मंदिर नहीं, ये हमारे दादा बाबा का पहले से मजार है और ये एक दरगाह है और उनका नाम इमामुद्दीन बाबा कुफरे सिकन है। कोई भी भगवान बता दो जिसका नाम अगर सैयद से या इमाम सा बाबा से होता है तो हम उनके उनकी बात को फिर भी सोचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से जो आरोप लगाया अर्षद पटेल ने, जो बातें कही कि ये तो मंदिर है, आपने देखा कि वीडियो की शुरुआत में जब मैंने कहा कि यहाँ पर इमाम शाह बाबा का मजार है तो फौरन मुझे वहां पर दो तीन वो टोकने लगे कि नहीं नहीं ये मंदिर है, ये मजार नहीं है। तो यही ये एक बड़ा सवाल इस देश के अंदर कि आखिरकार कब तक ये तमाम चीजें की जाएगी, मंदिर मस्जिद के नाम पर कब तक लोगों का खून बहाया जाएगा, परेशानी की जाएगी, नफरत फैलाई जाएगी, ये तमाम चीजों को जो है प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए।